विनोद खन्ना बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हुआ करते थे। एक्टर का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। विनोद खन्ना की 3 बहनें और 1 भाई है। विनोद के जन्म के बाद भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, जिसके बाद उनके परिवार ने पेशावर छोड़ दिया था और सभी लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। विनोद ने अपनी पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल मुंबई से की थी। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2री क्लास तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे। साल 1957 में विनोद का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। वहाँ से उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी। विनोद ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई सैयद नम कॉलेज मुंबई से की थी। विनोद क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने टेस्ट प्लेयर के साथ काफी क्रिकेट खेला है। विनोद को पहली बार सुनील दत्त ने उनकी ग्रेजुएशन के बाद देखा था, जिसके बाद उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में विनोद एक विलेन के किरदार में नजर आए थे और सोम दत्त नायक के किरदार में दिखाए गए थे। यह फिल्म साउथ की कुमारी पेन की रीमेक थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में विनोद ने कई सपोर्टिंग और विलेन के किरदार अदा किए। उन्होंने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्तान, मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने और ऐलान जैसी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग और विलेन के किरदार निभाए हैं। विनोद को पहली बार फिल्म हम तुम और वो में लीड किरदार निभाने का मौका मिला था और गुलजार की फिल्म मेरे अपने में भी एक्टर को मुख्य किरदार मिला था। इन दोनों फिल्मों में एक्टर के ऑपोजिट भारती विष्णुवर्धन नजर आई थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्मों में लीड किरदार अदा किया, जिसमें अचानक, इम्तिहान, अमर अकबर, एंथनी जैसी फिल्में हैं और उन्होंने इन फिल्मों में अच्छी सफलता हासिल की है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर साल 1982 में एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना थी। उस दौरान वह आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए थे। उस आश्रम में एक्टर बर्तन धोने और माली का काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने साल 1987 में इंसाफ से इंडस्ट्री में वापसी की थी। आपको बता दें कि एक्टर राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने उनके साथ भी कई फिल्में की हैं। साल 1997 में विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उसके अगले साल उन्हें गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। साल 1999 में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए थे। उसके बाद वह कल्चरल और टूरिज्म के लिए यूनियन मिनिस्टर चुने गए थे। विनोद की पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो उन्होंने गीतांजलि से साल 1971 में शादी की थी। विनोद के 2 बेटे हैं, जिसे से एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम अक्षय है। अक्षय बॉलीवुड के जाने माने कलाकार है। साल 1985 में कपल का तलाक हो गया था। उसके बाद साल 1990 में कविता दफ्तरी से शादी की थी। विनोद खन्ना साल 2017 की अप्रैल में काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एक्टर काफी वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहे थे और 27 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको विनोद खन्ना के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉलीवुड के ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।